एक दुनिया में जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं, दो फैमिलियों की स्टोरीज को जानें और देखें कैसे उनकी चॉइसेस उनके फ्यूचर को अट्रैक्ट करती हैं। ये स्टोरी है एक रिच डैड और एक पुअर डैड के बारे में। ये स्टोरी उन दोनों के दो बच्चों के बारे में है जो अपने जीवन के सफर में उनको डायरेक्शन देते हैं। ये स्टोरी शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दो फैमिलियां रहती थी। पहली फैमिली बहुत ही गरीब थी, उनके पास सिर्फ एक छोटा सा मकान और कुछ पैसे थे। दूसरी फैमिली बहुत अमीर थी, उनके पास एक बड़ा घर, कई गाड़ियां और बहुत सामान था। गरीब डैड के पास दो बच्चे थे, राजू और सीमा। अमीर डैड के पास भी दो बच्चे थे, अर्जुन और तानिया। गरीब डैड अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाते थे कि पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हार्ड वर्क करके अच्छे ग्रेड्स लाने की कोशिश करें। वो ये मानते थे कि एक अच्छी नौकरी पाकर उनके बच्चे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। अमीर डैड भी अपने बच्चों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस सिखाते थे, लेकिन उनके एजुकेशन में ये भी शामिल था कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे सीखे। गरीब डैड के बच्चे राजू और सीमा अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे और अच्छे ग्रेड्स लाते थे। वो एक अच्छी नौकरी पाए, लेकिन उनकी इनकम कम थी और उन्हें पैसे सेव करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ अमीर डैड के बच्चे अर्जुन और तानिया ने वो बिजनेस में स्ट्रगल किया और उन्होंने नए बिजनेसेस की शुरुआत की। वो मेहनती थे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में सक्सेसफुल हुए। बहुत सालों बाद गरीब डैड के बच्चे अपनी नौकरियों से खुश थे, लेकिन वो कभी भी पैसे सेव नहीं कर सके। वहीं अमीर डैड के बच्चों ने अपने बिजनेस के थ्रू कई संपत्ति बनाई और वो फाइनेंशियल रूप से हैप्पी और पावरफुल हो गए। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी बढ़ाएं और सही राह चुनें। इस बुक के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एजुकेट लाइफ ऐप और सुनें रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक समरी, वो भी बिल्कुल फ्री। और ऐसी समरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। और अगली कौन सी समरी आप सुनना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये समरी उसके साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि सीखने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।